यूजुअली हार्ट फेलियर के हर पेशेंट में हम पानी रिस्ट्रिक्ट जरूर करवाते हैं ताकि उनको सांस ना फूले या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ना हो, लेकिन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में नमक रिस्ट्रिक्ट करने का या नमक को कम करने का क्या रोल है? किन पेशेंट में हम नमक को रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, कितनी मात्रा तक रिस्ट्रिक्ट करवाना होता है और क्या लाइफ टाइम इसका रिस्ट्रिक्शन करने की आवश्यकता है, कितना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है, आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हार्ट फेलियर के पेशेंट में नमक रिस्ट्रिक्शन करने का क्या रोल है? टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यूजली हार्ट फेलियर के पेशेंट में पानी रिस्ट्रिक्ट करने को या कम करने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हार्ट फेलियर बिगड़ता है तो लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस फूलने लगती है। जितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर होगा उतना सांस फूलने की समस्या ज़्यादा होगी। तो जब हार्ट फेलियर व्यक्ति को होता है तो आप उनको बोलते हो कि लगभग दिन भर में चाय कॉफ़ी जूस सब मिला के दिन भर में 1 लीटर पानी लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप शरीर में नमक अगर ज़्यादा लेते हो, पानी भले आपने कम भी ले लिया, तो ये एक्स्ट्रा जो आप नमक ले रहे हो वो किडनी के लेवल पर जाकर बॉडी में एक्स्ट्रा पानी को इकट्ठा करता है, क्योंकि ये नमक जो बॉडी में जाता है वो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, यानी खून को एक तरह से गाढ़ा कर देता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा पानी रिटेन करना पड़ता है। एक तरह से बॉडी का एक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कितना गाढ़ा है उसको मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंटली नमक या सोडियम जितना है उससे ही सबसे ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा सोडियम होगा उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितना कम सोडियम होगा उतना कम गाढ़ा होगा। तो यदि मान लीजिए आपको पानी रिस्ट्रिक्ट करने को तो बोला, लेकिन आपने अगर नमक एक्स्ट्रा ले लिया तो ये एक्स्ट्रा नमक जो है वो खून को गाढ़ा करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी को किडनी के लेवल पर पानी को रिटेन करना पड़ेगा। जितना कम नमक होगा उतना किडनी एक्स्ट्रा पानी को यूरिन में निकाल सकते, जितना ज़्यादा नमक होगा उतना किडनी को पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, और जितना कम यूरिन बनेगा उतना भी किडनी वाले पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। दूसरा चीज़ ये कि जितना ज़्यादा पानी बॉडी रिटेन करेगी तो बात वही पड़ जाए कि यदि आपने ज़्यादा पानी नहीं भी पिया तो भी शरीर में एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर पानी जो आपने नहीं पी के बचाया, बॉडी किडनी के माध्यम से यूरिन को कम करके 1 लीटर पानी उतना ही इकट्ठा कर लेगी यदि आपने एक्स्ट्रा नमक खा लिया तो। तो इसीलिए जब पेशेंट को हार्ट फेलियर में आप अगर पानी रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हो तो साथ में नमक भी रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हो, क्योंकि नमक भी लगभग वही काम करता है बॉडी में, और खून कितना गाढ़ा है कितना पतला है उसको मैनेज और मेंटेन करने में पानी और नमक शरीर में जो ब्लड का गाढ़ापन है उसको प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं। जितना ज़्यादा शरीर में नमक होगा उतना खून गाढ़ा होगा, जितना शरीर में नमक कम होगा उतना खून पतला होगा, और पानी का इससे बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है कि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना खून पतला होगा, जितना कम पानी होगा उतना खून गाढ़ा होगा। तो यदि आपको पानी रिस्ट्रिक्ट करना है तो साथ में नमक को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो खून को गाढ़ा करके वापस पानी को शरीर के अंदर जमा कर लेगा। तो इसीलिए हार्ट फेलियर के ज़्यादातर पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप पानी के साथ नमक भी रिस्ट्रिक्ट करो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको नमक का रिस्ट्रिक्शन बोला जाएगा, यदि ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो फिर आप ज़्यादा नमक को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, नहीं तो आपको कई बार बीपी बहुत कम भी हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का अगर सोडियम बेसलाइन कम है, अगर उसका सोडियम ऑलरेडी कम है, तो वैसे व्यक्ति को उतना नमक रिस्ट्रिक्ट करने नहीं बोला जाएगा, वैसे व्यक्ति का सिर्फ पानी को मैनेज किया जाएगा ताकि सोडियम लेवल बहुत कम नहीं हो जाए, क्योंकि सोडियम लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं तो कई बार अनकॉन्शियस भी हो सकता है, मिर्गी भी आ सकती है, कोमा में भी जा सकता है, बिगड़ सकती है हालत। तो सोडियम का लेवल को भी मैनेज और मेंटेन करना आवश्यक है। तो कई फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि कितना आपको नमक लेना है। एक तो कितना सीवियर हार्ट फेलियर है, पानी को कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसी हिसाब से आप नमक को भी रिस्ट्रिक्ट करोगे। उसके अलावा कितना ब्लड प्रेशर है पेशेंट का, इसके अलावा कितना सोडियम लेवल है पेशेंट का, और इसके अलावा ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस को कितना मेंटेन करना है। और हालांकि ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम मेंटेन करनी ही करनी है, ये सारी चीज़ों में वेरिएशंस आते रहेंगे। मतलब अगर सीवियर हार्ट फेलियर में सडनली कंडीशन बिगड़ी तो आप नमक पानी को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, वही अगर कंडीशन ठीक हुई तो आप नमक पानी वापस नॉर्मल जैसा लेने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन जो है आपको अलग अलग स्टेजेस में सेम पेशेंट में भी फ़र्क हो सकता है। अगर हार्ट फेलियर की सीवियरिटी कम ज़्यादा होती रहती है या पेशेंट की कंडीशन ऊपर नीचे होती रहती है तो उस हिसाब से आप पेशेंट के नमक को और पानी के रिस्ट्रिक्शन को मेंटेन आपको करना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को आप सिर्फ पानी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो उसे काम नहीं चलेगा, साथ में नमक को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके बॉडी के खून के गाढ़ापन को या कितना पानी शरीर में रिटेन हो रहा है उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। अगर इसमें से दोनों में एक भी पैरामीटर का गड़बड़ हुआ तो आपका ओवरऑल बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने का या नमक रिस्ट्रिक्ट करने का दोनों का फायदा नहीं होगा। सेम चीज़ बीपी वाले पेशेंट में भी चलता है और सेम चीज़ आपके इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस वाले पेशेंट में भी चलता है
कि आपको कितना लेवल मेंटेन करना है, तो पानी और नमक दोनों का एक साथ ही आपको मैनेजमेंट देखना पड़ता है। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में सिर्फ पानी को मेंटेन किया, एक में सिर्फ नमक को किया, दोनों को साथ में ही लेके चलना पड़ता है, क्योंकि दोनों ब्लड की कितना गाढ़ापन है उसको प्रॉपरली यही दो चीज़ सबसे ज़्यादा मैनेज करते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, बॉडी का प्रोटीन लेवल कितना है, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल कितने, बहुत की सब चीज़ें भी इसको थोड़ा बहुत गवर्न करती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, इसलिए दोनों को हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में नमक रिस्ट्रिक्ट क्यों करवाया जाता है और नमक रिस्ट्रिक्शन कितना सीवियर करने की ज़रूरत है। बेसिकली जितना सीवियर हार्ट फेलियर उतना ज़्यादा नमक की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, और अगर बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है तो आपको लगभग 2 ग्राम नमक पर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, यानी एक छोटा चम्मच नमक से भी आपको दिन भर में कम लेना है, और उसमें सब्जियों में डाला हुआ नमक, एक्स्ट्रा खाया हुआ नमक, ऊपर से लिया हुआ नमक सब कुछ इंक्लूडेड है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। नॉर्मल इंडियन डाइट पे वैसे भी 8 से 12 ग्राम नमक होता है, तो अगर आप हार्ट फेलियर के हिसाब से नमक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपको पूरा खाना भी फीका करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, तभी आप उतना सीवियर लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो आपका हार्ट फेलियर बिगड़ता रहेगा, और अगर आप ज़्यादा नमक लेते रहोगे तो आपको उसको निकालने के लिए फिर एक्स्ट्रा दवाई देनी पड़ेगी, पेशाब बढ़ाने की दवाई देनी पड़ेगी। ये पेशाब बढ़ाने की दवाई भी नमक को निकाल के ही काम करती है, एक्स्ट्रा बॉडी का जो सोडियम को निकालती है साथ में पानी निकलता चला जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पेशाब बढ़ाने वाली दवाई डायरेक्ट पानी को निकाल के काम कर रही है, वो नमक को निकाल के भी इनडायरेक्टली वही काम करती है कि बॉडी का नमक और पानी को बॉडी के बाहर निकालती है। तो अगर आप ज़्यादा नमक लोगे तो एक्स्ट्रा नमक को निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा दवाई देना पड़ेगा, ज़्यादा पानी भी लोगे तो भी वही करना पड़ेगा, जो कि किडनी के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाएगा। आप एक तरफ पानी ज़्यादा पी रहे हो, नमक ज़्यादा खा रहे हो, उधर से हमको निकालने के लिए ज़्यादा दवा देना पड़ रहा है, जितना दवा देंगे उतना टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपको पहले से इसको कम रखना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देंगे। थैंक यू।